नमस्कार, मैं हूं आपके साथ योगिता वाजपेयी। सुबह सवेरे में आपका स्वागत है और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से जो कि जबलपुर से है। नर्मदा की बाढ़ में फंसे ग्रामीणों का सफल रेस्क्यू कर लिया गया है। सेना और एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया है, रस्सी के सहारे बाहर निकाला गया है लोगों को। कलेक्टर एसपी समेत कई अधिकारी इस दौरान मौके पर मौजूद रहे। तो जबलपुर से खबर आपको बता रहे हैं जहां पर नर्मदा की बाढ़ में फंसे ग्रामीणों का लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। बता दें कि रस्सी के सहारे लोगों को बाहर निकाला गया। इस दौरान कलेक्टर एसपी समेत कई अधिकारी मौके पर मौजूद रहे हैं। सेना और एनडीआरएफ की टीम ने ये रेस्क्यू किया है, ग्रामीणों का सफल रेस्क्यू कर लिया गया है। बता दें कि नर्मदा की बाढ़ में लोग फंस गए थे। तो जबलपुर से खबर आपको बता रहे हैं जहां पर नर्मदा की बाढ़ में ग्रामीण फंस गए थे और आखिरकार सेना और एनडीआरएफ की टीम ने ग्रामीणों का सफल रेस्क्यू कर लिया है। बता दें कि इस दौरान कलेक्टर एसपी समेत कई अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। वहीं रस्सी के सहारे ग्रामीणों को बाहर निकाल लिया गया है। जबलपुर से हमारे सहयोगी फतेह सिंह हमारे साथ जुड़ गए। फतेह, किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट किया गया है? जी बिल्कुल युक्ता, आपको बता दें ये पूरा मामला ये जबलपुर के थाना भेड़ाघाट क्षेत्र के आने वाला गोपालपुर है, ये वहाँ का ये पूरा मामला है जहाँ पर कल देर शाम चार जो युवक हैं जो गढ़ा परवा के रहने वाले थे, ये पिकनिक मनाने यहाँ पर टापू पर यहाँ नर्मदा किनारे आए हुए थे। लेकिन अचानक ही जब ये पिकनिक मना रहे थे उसी दौरान ये तेज बारिश के कारण जो गौर नदी है उसका जल स्तर बढ़ गया और उसके चलते ये नर्मदा का में आकर मिलती है गौर नदी, इसका भी जल स्तर अचानक बढ़ गया था जिसके चलते जो चार युवक हैं ये यहाँ पर फंस गए थे। इसको लेकर देर शाम से लेकर जो रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ जारी किया गया था इसमें एनडीआरएफ के जो जवान हैं वो यहाँ मौजूद थे, इसके साथ ही सेना के जवान यहाँ पहुंचे थे लेकिन वो अपने रेस्क्यू ऑपरेशन में सफल नहीं हो पाए थे। उसके बाद भोपाल से एनडीआरएफ की जो टीम है 24 सदस्यों की वो यहाँ अभी सुबह यहाँ जबलपुर पहुंची और उन्होंने चार युवकों का यहाँ पर रेस्क्यू कर उन्हें सकुशल यहाँ बाहर निकाल लिया है। इस पर बात करने के लिए जबलपुर एनडीआरएफ के जो सदस्य हैं वो यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं। भाई साहब, कितना टफ ये रेस्क्यू ऑपरेशन आप लोगों का रहा? जी कल रात से इसका जल स्तर इतना बढ़ा हुआ था कि हमने बोट से ले जाने की कोशिश की लेकिन वहाँ बोट रुकने का कोई चांस नहीं था। इवन यहाँ एक बोट हमारी उनको बचाने के चक्कर में नीचे बह गई थी। फिर वहीं पे ये लिया गया कि अब बोट से ना किया जाए, जो बरगी का पानी आ रहा है उसको बंद कराया जाए, थोड़ा पानी बंद होगा कम होगा फिर उसके बाद रेस्क्यू किया जाए। वहाँ पता चल गया उनके यहाँ घुटनों तक पानी पहुँचा था, तो उनको ये सांत्वना दी गई अब रुको, पानी बंद कराया गया है बरगी डैम का, वो धीरे धीरे कम होगा, जैसे ही कम होता था आपको हम रस्सी के माध्यम से निकलवा लेंगे। आपकी जो नाव थी वो भी यहाँ पर पलटी थी रात में, क्या क्या मामला था वो? जी रात को क्या हुआ, हम ये सोच रहे थे ऐसा ना हो कहीं बारिश हो जाए और जल स्तर बढ़ जाए तो हमारे रहते हुए इनको कुछ क्षति पहुँचे। तो हमने अपनी तरह से पूर्णतः कोशिश की है, हमने अपने बोट में रस्सी बांध के वहाँ तक ले जाने की कोशिश की लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि हमारी बोट पलट गई और उसमें बोट में हम तीन हमारे जो रक्षक है वो भी डूब गए। बड़ी मुश्किल से वो साइड में लगे और फिर वहीं पे ये किया गया कि अब बोट से नहीं करना, अब इनको पानी बंद करा के और एनडीआरएफ भी चुकी आ रही थी तो बोला अब इनको रोप से करा जाएगा। यहाँ पर कौन कौन सी टीम यहाँ पर मौजूद थी, सेना के जवान भी यहाँ पर मौजूद? यहाँ सबसे पहले एसडीआरएफ आई थी, उसमें एसडीआरएफ का के साथ साथ सेना के आए थे। सेना वाले ने ये बोला कि रात हो गई है सुबह तक में हेलीकॉप्टर आ जाएगा, उसे लैंड कर ले लिफ्ट कर लेंगे। उसके बाद वहाँ से भोपाल से एनडीआरएफ भी चल गई थी तो यहाँ सुबह 4 बजे एनडीआरएफ भी पहुंच गई थी और उसी वक्त कल रात को 12 बजे पानी बंद किया था बरगी का, वो भी धीरे धीरे कम हो गया जिससे कि जी बिल्कुल। तो काफी मशक्कत के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन कर लिया गया है। एनडीआरएफ के सदस्य यहां पर मौजूद थे जो कि बता रहे थे कि काफी मुश्किलों से रात में भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा, नाव भी पलटी लेकिन इस दौरान भी
जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार जारी रहा और आखिरकार सुबह देख सकते हैं तस्वीरें सामने आई हैं, चार युवक जो कि पिकनिक मनाने गए हुए थे उन्हें आखिरकार बाहर निकाल लिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया फतेह तमाम जानकारी के लिए। जबलपुर से ये तस्वीरें सामने आई है। बता दें कि चार युवक जो कि पिकनिक मनाने गए हुए थे अचानक गौर नदी का जल स्तर बढ़ गया और इस वजह से ये जो युवक हैं ये नर्मदा की नदी में फंस गए और सेना और एनडीआरएफ की टीम ने सफल रेस्क्यू ऑपरेशन आखिरकार कर लिया और रस्सी के सहारे चारों युवकों को बाहर निकाल लिया गया है। सुरक्षित है चारों युवक। और अब बात जबलपुर की, जहां कैंट विधानसभा क्षेत्र की उपेक्षा और विकास की अनदेखी का आरोप लगाते हुए सैकड़ों कांग्रेसी रविवार को सड़कों पर उतर आए। कांग्रेसी विशाल रैली निकालते हुए रांची पहुंचे, जहां उन्होंने कैंट विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक अशोक रोहाणी के कार्यालय का घेराव करने की कोशिश की और इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच काफी देर तक धक्का मुक्की होती रही। इस बीच भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी विधायक कार्यालय में एकजुट हो गए और इस दौरान दोनों पक्षों के बीच जोरदार नारेबाजी का सिलसिला चलता रहा। कांग्रेस ने क्षेत्रीय विधायक अशोक रोहाणी पर विकास की अनदेखी और जनता की उपेक्षा करने का आरोप लगाते हुए जवाब मांगा है। कैंट विधानसभा की ये तस्वीरें हैं जबलपुर की, जहां पर कांग्रेस सड़कों पर उतर आई है और अशोक रोहाणी के कार्यालय का घेराव करने की कोशिश यहां पर की गई। आज कैंट विधानसभा क्षेत्र में हजारों की संख्या में कैंट विधानसभा के कांग्रेस जनों ने, शहर के कांग्रेस जनों ने विधायक अशोक रोहाणी का घेराव किया। घेराव इसलिए किया, कैंट विधानसभा यहाँ आज भी पानी नहीं मिलता, आज यहाँ भी सफाई ये लोग नहीं इन्होंने कभी करवाई। जल प्लावन यहाँ पर होता है, सड़कें अच्छी नहीं है, पट्टे नहीं मिलते लोगों को, तालाबों का जीर्णोद्धार नहीं हुआ, यहाँ पर लोग परेशान हैं, रोजगार के साधन कभी नहीं मुहैया कराए गए, गरीब लोगों के घरों को तोड़ने की बात की जाती है। आज कांग्रेसजनों ने जवाब मांगा विधायक जी से। और अब बात भोपाल की, यहां कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन कर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के दौरे का विरोध किया। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर भोपाल जिला महिला कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के विरोध में प्रदर्शन किया। महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष संतोष कंसाना ने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में जब सब्जियां 1 या 2 रुपए महंगी होती थी तो यही स्मृति ईरानी धरना प्रदर्शन करने लगती थी और आज वो अच्छे दिन कहाँ चले गए, जनता को पुराने दिन ही चाहिए। स्मृति ईरानी जी का जो आगमन हुआ है मध्य प्रदेश में, हम महिला कांग्रेस का पुरजे विरोध करती है जो वो भोपाल में आई है, क्योंकि हमको ऐसी महिला नहीं चाहिए। जब कांग्रेस की सरकार रहती थी और अगर 5 रुपए 10 रुपए भी बढ़ते थे तो उनको महंगाई डायन लगती थी, अब वही महंगाई उनकी डार्लिंग हो गई है। चुनाव से पहले ये लोग कहते हैं हम अच्छे दिन लाएंगे, हम स्मृति ईरानी से बोलते थे कि मैडम हमारे तो पुराने दिन ही दे दीजिए आप। और इस बीच इंदौर से बड़ी खबर, आज इंदौर आएंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान, लाडली बहनों के खाते में ट्रांसफर करेंगे 1,000 रुपए की दूसरी किश्त। एयरपोर्ट से कार्यक्रम स्थल तक लाडली बहना सीएम का करेंगी स्वागत, तो लाडली बहना जो है वो सीएम का स्वागत भी करेंगी। बता दें पूरे मार्ग पर स्वागत मंच लगे हुए हैं। तो आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इंदौर पहुंचने वाले हैं। बता दें लाडली बहनों के खाते में आज सीएम शिवराज सिंह चौहान 1,000 रुपए की दूसरी किश्त की राशि ट्रांसफर करने वाले हैं और एयरपोर्ट से कार्यक्रम स्थल तक लाडली बहना सीएम का स्वागत भी करेंगी। पूरे मार्ग पर स्वागत मंच भी लगाए गए हैं। तो कल स्मृति ईरानी पहुंची थी इंदौर और आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इंदौर पहुंचने वाले हैं और लाडली बहना योजना की दूसरी किश्त आज महिलाओं के खाते में ट्रांसफर की जाएगी। इस दौरान एयरपोर्ट से कार्यक्रम स्थल तक महिलाएं जो हैं वो सीएम शिवराज सिंह चौहान का स्वागत करती हुई भी नजर आएंगी।
एयरपोर्ट से लेके बता दें कार्यक्रम स्थल तक स्वागत मंच लगाए गए हैं, जहां पर लाडली बहना योजना से जो हितग्राही हैं वो आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का स्वागत यहां पर करती हुई दिखाई दी। और इधर झाबुआ जिले में आदिवासी विकास विभाग में एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां तबादला सूची में सेवानिवृत्त शिक्षक का भी नाम है। इससे रिटायर शिक्षक भी हैरान है। दरअसल बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बामनिया पेटलावद में पदस्थ रहे सहायक प्राध्यापक सज्जन सिंह डामोर अप्रैल माह में रिटायर हो चुके हैं। उनके सेवानिवृत्त होने पर परिजनों ने बाकायदा ढोल नगाड़ों के साथ बड़ी धूमधाम से विदाई समारोह निकाला था। वीडियो में रिटायर शिक्षक डामोर को भी थिरकते हुए आप देख सकते हैं। और इस मामले में आश्चर्य का विषय यह है कि तबादले की अनुशंसा कैबिनेट और झाबुआ जिले के प्रभारी मंत्री इंदर सिंह परमार की तरफ से की गई है। सर, इनका रिटायरमेंट अप्रैल माह में हो गया था और ये माध्यमिक शिक्षक माध्यमिक विद्यालय में पदस्थ है। इनका कार्यकाल अधिकतर यही रहा और इनको हमने भगोरिया नृत्य करके सामूहिक भोज करने के बाद इनको ठेठ घर छोड़ने गए, पूरा स्टाफ गया। ट्रांसफर हुआ है तो मैं रिलीव होकर ज्वाइन होने के लिए संबंधित संस्था में जाऊँगा। आगामी कार्रवाई इस समय में इन लोगों के बारे में कार्रवाई होना चाहिए। अप्रैल 2023। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के दूसरे सर संघ चालक माधव सदाशिव गोलवलकर पर किए ट्वीट के बाद दिग्विजय सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। दिग्विजय सिंह के ट्वीट के बाद प्रदेश की सियासत भी गर्मा गई है। भाजपा ने दिग्विजय के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि सब कुछ जानते हुए भी आखिर दिग्विजय सिंह मानते क्यों नहीं है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह पर इंदौर और राजगढ़ में एफआईआर दर्ज हुई है। मामला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दूसरे सर संघ चालक माधव सदाशिव गोलवलकर पर किए गए उनके ट्वीट से जुड़ा हुआ है। इंदौर में एडवोकेट राजेश जोशी ने तो राजगढ़ में भाजपा नेता अंशुल तिवारी ने एफआईआर दर्ज कराई है। आरोप है कि दिग्विजय सिंह ने गोलवलकर को मुस्लिम और दलित विरोधी बताया है। दिग्विजय सिंह ने अपने ट्वीट में लिखा है, गुरु गोलवलकर जी के दलितों पिछड़ों और मुसलमानों के लिए वह राष्ट्रीय जल जंगल व जमीन पर अधिकार पर क्या विचार थे अवश्य जानिए। दिग्विजय सिंह के ट्वीट के बाद बीजेपी हमलावर है। सीएम शिवराज सिंह ने ट्वीट करके कहा कि मिथ्या प्रचार कांग्रेस की कुंठा है, तो वीडी शर्मा ने कहा दिग्विजय सिंह के खून में अंग्रेजों और मुगलों की जींस है। कांग्रेसियों के खून में और खास तौर पर दिग्विजय सिंह के खून में अंग्रेजों के जींस तो है ही, मुगलों के भी जींस है। तो ये जो वातावरण बिगाड़ने का प्रयास है ये दुर्भाग्यजनक है। मध्य प्रदेश की जनता इन्हें माफ नहीं करेगी। दिग्विजय सिंह जी, आप चाटुकारिता के आधार पर बड़े नेता भली बन गए हो, पर तुम हिंदुस्तान के और हिंदुओं के नेता नहीं बन सकते, क्योंकि तुम्हारा जो गुरु है वो जाकिर नायक है। और जाकिर नायक कौन है? जो इस्लामिक कट्टरपंथी का धर्म गुरु है, तुम उसी की चेले। दिग्विजय सिंह के खिलाफ एफआईआर के बाद कांग्रेस ने कहा कि दिग्विजय सिंह ने जो ट्वीट किया है वो गोलवलकर की किताब से लिए गए हैं। दिग्विजय सिंह जी ने जो भी बात कही है, लिखी है, वो गोलवलकर जी के विचार हैं। उन्होंने अपनी किताब में लिखा हुआ, किताब के हवाले के साथ वो बात लिखी गई है। अगर बीच आरएसएस के सरसंचालक के विचार भेदभाव से भरे हुए थे तो उसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है, बल्कि आरएसएस की विचारधारा जनता के सामने आती है उन किताबों से जो आरएसएस के नेताओं ने लिखी है। अब बीजेपी की बौखलाहट हार की वजह से ऐसी है। संघ और उससे जुड़े लोगों के खिलाफ बयान देकर दिग्विजय सिंह हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। हर बार बवाल मचता है, सियासत में उबाल आता है, लेकिन दिग्विजय सिंह मानते नहीं। चुनावी साल में इस तरह के बयानों और ट्वीट से कांग्रेस का कितना भला होगा, ये देखने वाली बात होगी। भोपाल से मनीष कांचन की रिपोर्ट।